फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार। और दोस्तों, आज हम दौलतपुर आए हैं मुन्नी देवी के यहाँ। यहाँ हमने पहले भी एक स्नेक को रेस्क्यू किया है और इनके यहाँ काफी दिनों से मुर्गी और कबूतर है और उनका मार दिया जा रहा है। कोई कोबरा है जिसके काटने से उनकी मौत हो जा रही है। और अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और इनके यहाँ फिर से वही सांप दिखा है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, हम उससे स्नेक का रेस्क्यू करते हैं। हम उधर देखा करेंगे, आगे साइड को। बहुत ही तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे अक्सर कबूतरों और मुर्गियों के मरने की खबर आ रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक मुर्गी मरी हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये उसे निगलने की कोशिश कर रहा था लेकिन निगल नहीं पाया, जिस कारण से उगल दिया है उसने। लगता है बड़ा डेंजरस कोबरा है दोस्तों। फटी लाइट देखा, फटी करा उजाला, फटी करा। चल भैया इधर ले, मैदान में ले आइए। फटी लाइट हटाना ने कोई, लाइट हटाना ने फटी। डब्बा लो, चलो अंदर आ जाओ। अंदर है भैया, ढक्कन है ना? ढक्कन नजर आ रहा, फिर मारेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चुप ना, पहले शांत रहो। अभी तो आप देखिए दोस्तों, ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा पकड़ा हमने और काफी गुस्से में है दोस्तों। काफी जान इसने ले चुकी है और अब इससे आगे हम इसे और मारने नहीं देंगे। तो बने रहिए वीडियो में, हम इसका रेस्क्यू करते हैं दोस्तों। हालांकि ये निकल गया था, यह बाहर अंधेरे में भाग चुका था लेकिन हमने दौड़ कर इसे पकड़ लिया। काफी खतरनाक और डेंजरस को अगले बार नहीं है तुम। अगला बार से बहुत बड़ा है रे, नीचे मुंडी। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये है दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और यहाँ काफी दिनों से इसने परेशान करके रखा हुआ था। आफत मचाई हुई थी काफी सारे कबूतरों को और एक बकरी को और कुछ मुर्गियों को इसने मार दिया था, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। वो एक मुर्गी और एक कबूतर अभी भी मरे पड़े हैं और वहाँ भी एक कबूतर मरे पड़े हैं। तो दो तीन कबूतर और एक मुर्गी इसने आज भी मार डाली 12 बजे से। लेकिन 12 बजे से शांत रहिए आप लोग, चुप रहें भैया, बोले दें तुम लोग। तो आखिरकार हमने रात में आकर इस स्नेक का रेस्क्यू किया है। और तो अगर आपको हमारे रेस्क्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे आने वाले समय में और भी ऐसे परिवारों को दहशत से बचाया जा सके और सांपों को पकड़ कर पुनर्वास हेतु पर्यावरण में रिलीज किया जा सके। मिलते हैं अगली बार फिर से नए स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद। पूरा लो इतना आदमी रह रहा है घर में और सांप परेशान किए हुए हैं। लाइट बंद कीजिए।